सर मैंने एलेन इलेक्ट्रॉनिक के अभी 4,000 शेयर ले लिए हैं 190 पे, तो लॉन्ग टर्म्स के लिए लिए हैं, इन्हें कहाँ पे एक्सेल करना चाहिए? एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स 190 पे लिया है। ये हाँ तो अच्छा खासा करेक्ट हो गया वहां से भी। क्यों लिया था मैम? लॉन्ग टर्म्स के लिए ही लिया नहीं तो है। फंडामेंटल्स वगैरह देखे थे आपने, स्टडी करने के बाद लिया, अपना कॉल लिया है ना। हाँ क्या करें, आज तक ये तो रीसेंट आईपीओ वाला मामला है मेरे ख्याल से। इस पे तो अपनी बातचीत भी हुई थी, ये मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी थी शायद, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो साल के लोज के आसपास खड़ी है आज तक। इन्होंने गिरावट में लिया होगा, लेकिन इनके लेने के बाद और 30 रुपए गिर गया है। क्या करूं। देखिए, जब ये आईपीओ आया था तब तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। आप हाँ। अगर फाइनेंशियल देखे, वैल्यूएशन देखे, सब तब पैरामीटर कॉन्ट्रैक्ट देखे। मैन्युफैक्चरिंग फेज गजब थी, अब तो अंबर वो डिक्सन भी करेक्ट हो गया है। और दूसरा है कि रीजन जो मुझे लगता है ये नहीं चला है, उसका रीजन है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। जो अभी के रिजल्ट्स हैं उसमें 26% की डी ग्रोथ दिखाई है बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट में, और वहीं पे अगर मैं टॉप लाइन की बात करूं तो 24% की डी ग्रोथ टॉप लाइन में भी है। तो जब इस तरह के रिजल्ट आते हैं जहाँ पे डी ग्रोथ आती है, तो मार्केट फिर उसको थोड़ा सा पनिश करता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है। मैम मैं आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि ये अभी और अपने ऑल टाइम लो पे आ गया है और रिजल्ट्स भी सपोर्टिव नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इसमें आप होल्ड करें। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एग्जिट कर जाइए और लॉस बुक करके एक बार निकलिए। थोड़ा सा लॉस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसके सामने मेरे को लगता है कि अगर आप दूसरे स्टॉक, क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस काफी अच्छी लगती है, तो वहां पे आप जाए तो एक दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उनको खरीदिए, आपके शायद नुकसान की भरपाई होती भी नजर आएगी। अभी हाल फिलहाल में एलन में मुझे कुछ बहुत ज्यादा दम लग नहीं रहा है। अब लेना क्या है इसके अगेंस्ट में, तो ले सकते हैं कमिंस इंडिया, वो भी अच्छा लगता है, तो वहां पे एक अपना पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लू स्टार भी मुझे अच्छा लगता है। देखिए मैम, टिकट साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आपको जरूर ये लगता होगा कि कहाँ मैं 150 का लेके बैठी हूँ और कहाँ यहाँ पे इतने बड़े टिकट साइज के स्टॉक्स बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कन्विक्शन अच्छा है मैम। तो मुझे लगता है कन्विक्शन है तो हमें वहां जाना चाहिए। तो आप एक बार निकलिए इसमें से, या फिर कमिंस इंडिया या फिर ब्लू स्टार, इनमें से कहीं पे भी आप एक एंट्री बनाइए। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई डेफिनेटली ये स्टॉक्स करते हुए नजर आएंगे। तो ये सलाह रहेगी एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स पे। दिक्कत में ये स्टॉक, इसमें अनएक्साइटिंग टाइप हो गया एकदम। इससे निकलना है मैम, इसमें रुके और इससे एक्सपेक्ट करें कि वापस लॉसेस की भरपाई होगी, उससे अच्छा है वीक पॉकेट से निकले। जो फंडामेंटली स्ट्रांग इस समय लग रहे हैं उनकी तरफ पैसा डालें, तो शायद लॉस की भरपाई और अच्छे गेन शायद वहां पे ज्यादा बेहतर होंगे। कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस, और चाहे तो कमेंट जैसा स्टॉक हो उसमें पैसा को मूव करना बेहतर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।